हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्वसहायता समूह के भाग दो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वसहायता समूह में सदस्यता कैसे लिया जाता है। स्वसहायता समूह में सदस्यता लेने के लिए सदस्यता शुल्क ₹10 रखा गया है, बशर्ते कि वह महिला सदस्य उसी गांव की निवासी हो और उसकी उम्र 18 से 65 वर्ष होनी चाहिए। अगले क्रम में हम यह जानेंगे कि स्व सहायता समूह में पदाधिकारी कौन कौन होते हैं। स्व सहायता समूह में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव पदाधिकारी के रूप में होते हैं, और अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव यह तीनों ही बैंक खाते का संचालन भी करते हैं। अगले क्रम में हम यह जानेंगे कि स्व सहायता समूह के कोष का निरीक्षण कौन करता है। स्व सहायता समूह के अंतर्गत जो निधि या कोष होता है उसका समय समय पर निरीक्षण ग्राम संगठन द्वारा किया जाता है। अगले क्रम में हम यह जानेंगे कि ग्राम संगठन क्या होता है। ग्राम संगठन स्व सहायता समूहों का एक पूरा समूह या ग्रुप होता है जो ग्रामीण क्षेत्र में इनके विकास के लिए काम करता है। आपको बता दें कि एक ग्राम संगठन में मुख्य रूप से 5 से 25 स्व सहायता समूह होते हैं। आपको यह भी बता दें कि अगर एक ग्राम संगठन में 25 से अधिक स्व सहायता समूह है तो एक ही ग्राम में 1 से अधिक ग्राम संगठन हो सकते हैं। वहीं इन ग्राम संगठन का उद्देश्य समूह को आर्थिक एवं प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराकर एक दबाव समूह के रूप में कार्य करना है। यदि किसी ग्राम संगठन में स्व सहायता समूह की संख्या 10 से कम है तो वहां अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। वहीं यदि किसी ग्राम संगठन में स्व सहायता समूह की संख्या 11 से 25 है तो वहां अध्यक्ष एवं सचिव का चुनाव किया जाता है। अगले क्रम में हम यह जानेंगे कि स्व सहायता समूह अपने नियमावली में संशोधन कैसे करती है। स्व सहायता समूह को संचालन करने के लिए नियमावली तैयार की जाती है। इस नियमावली में संशोधन सर्वसम्मति से या समूह के कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से नियमावली में संशोधन किया जाता है। अगले क्रम में हम यह जानेंगे कि स्व सहायता समूह का विघटन कैसे किया जाता है। स्व सहायता समूह के विघटन करने से पहले समूह को बैंक से लिया गया ऋण लौटाना होता है। इसके बाद कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से सहमति होने पर स्व सहायता समूह को विघटित कर दिया जाता है। अगले क्रम में हम यह जानेंगे कि संकुल स्तरीय संगठन क्या होता है। आपको बता दें कि स्व सहायता समूह ग्राम संगठन के अंतर्गत होते हैं और ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संगठन के अंतर्गत होते हैं। आपको यह भी बता दें कि एक संकुल स्तरीय संगठन में 10 ग्राम संगठन हो सकते हैं। वहीं एक विकास खंड में 4 संकुल स्तरीय संगठन होते हैं। संकुल स्तरीय संगठन को बनाने के लिए स्टार्टअप राशि ₹2,00,000 दी जाती है। वहीं ग्राम संगठन के सशक्तिकरण के लिए ₹35,000 की राशि दी जाती है। आप सभी के अतिरिक्त जानकारी के लिए बता दें कि संकुल स्तरीय संगठन की 3 उप समिति होती है, जिसमें पहला है बैंक लिंकेज समिति, दूसरा है आजीविका समिति और तीसरा है सामाजिक कार्य समिति। अगले क्रम में हम यह जानेंगे कि संकुल स्तर संगठन के कितने सदस्य होते हैं। इसके तहत 4 सदस्य होते हैं। पहला है संरक्षक सदस्य, दूसरा है आजीवन सदस्य, तीसरा है साधारण सदस्य और चौथा है सम्माननीय सदस्य। अगले क्रम में हम यह जानेंगे कि प्रबंध कारिणी समिति क्या होता है। प्रबंध कारिणी समिति का गठन 4 सदस्यों यानी संरक्षक सदस्य, आजीवन सदस्य, साधारण सदस्य और सम्माननीय सदस्य एवं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष से मिलकर होता है। वहीं प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसके अगले क्रम में हम बात करते हैं साधारण सभा की। साधारण सभा का आयोजन वर्ष में एक बार होता है। इस सभा के लिए बैठक की तिथि तय कर प्रबंधकारिणी समिति बैठक से 15 दिन पूर्व सूचना सभी सदस्यों को भेजती है। इस साधारण सभा में गणपूर्ति पूरा करना आवश्यक है, जिसमें कुल सदस्यों का 3/5 बहुमत उपस्थिति आवश्यक है। अगले क्रम में हम प्रबंधकारिणी सभा की बात करते हैं। प्रबंधकारिणी सभा की बैठक हर माह होती है। इस बैठक की एजेंडा 7 दिन पूर्व अध्यक्ष द्वारा प्रबंधकारिणी समिति के सभी सदस्यों को भेजा जाता है। इस सभा में गणपूर्ति आधे सदस्यों से पूरी की जाती है। वहीं गणपूर्ति न होने पर बैठक को 1 घंटे तक स्थगित किया जाता है, फिर पुनः बैठक शुरू किया जाता है, जिसमें गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं अंतिम में हम विशेष बैठक की बात करते हैं।
यदि प्रबंधकारिणी समिति के कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्य लिखित रूप से बैठक की मांग करे तो साधारण सभा की बैठक अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस विषय से काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।